हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई दिस मच बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। आल्सो फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उसके जो फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट बन रहे हैं या नहीं। तो जितने फैक्टर्स के ट्रिपलेट नहीं बन पाएंगे उसमें हम उतने ही फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जितने के ट्रिपलेट नहीं बन पा रहे हैं, और जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट द फैक्टराइजेशन। ओके, तो हमने फाइंड किया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मिला है 5 × 5 × 5 × 41 × 41, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हार्ड दे दिया है यहाँ पर, मतलब कि 41 एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर 41 बहुत दूर है। आप चेक करते जाएंगे, है ना, 3, 7, 11, 13, 23, 29, ऐसे करके चेक करते 41 पे आपका आएगा। तो दिस इज़ टफ। तो एक्चुअली आपको ये रिमेंबर करना होगा कि ये जो 1681 है वो 41 का स्क्वायर है। चलिए फाइनली हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 का ट्रिपलेट बन जा रहा है बिल्कुल, लेकिन 41 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब कि हमें बस एक 41 से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर में, तो ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियरली, तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो होगा 41, फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि यदि 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। सो द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 210125 मल्टीप्लाइड बाई 125। ओके, फाइनली ये जो नंबर होगा ये परफेक्ट क्यूब होगा। अब करना क्या है कि हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ, देखिए इसका क्यूब रूट जो होगा वो मल्टीप्लाई करके, मतलब इसके फैक्टर्स को लिख करके, और 41 भी लिखना पड़ेगा। मीन्स हम इसको एक बार और लिख देते हैं, 2101। फाइनली हमारा जो है आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ से। देखिए 5 और ये 41 आपको निकालना होगा, मतलब कि 5 × 41 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5, 5 × 4 = 20। तो आपका हो गया 205। तो 205 इज क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, जो हमारा प्रोडक्ट निकला है यहाँ पर उसका क्यूब रूट है। तो ये आपका एक आंसर है, आपके दो आंसर्स होंगे 41 और 205। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपको एक कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो दैट्स विल बी ग्रेट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।